क्या रिएक्शन था जब हम बात आमिर साहब की करते हैं। आमिर साहब को कहीं बुलाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होते किसी चीज़ से कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं हिस्सा बनूंगा। जब आपने उन्हें अप्रोच किया कि आप चाहते हैं कि वो आएँ और ट्रेलर को लॉन्च करें, आमिर सर का क्या रिएक्शन है? और जैसे हेलो दिस नाउ द ऑडियो स्टार्टेड, जैसे कई बार गुगी बाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट हैं, धरोहर हैं। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज़ के लिए। अच्छा पता नहीं क्या ये फॉल्स चीज़ें फैला रहा है मेरे पास। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊँ कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीआर वालों को कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं क्या हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पर था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज़ दिस अ राइट टाइम टू कॉल? मैं कहा हाँ जी पाजी। तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है। मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है। इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि शायद क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं। मतलब हमने इनको बचपन से देखा है, पिक्चरों में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार जैसे कुकी बाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने बाजी हैं। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग। नो बट आई हैव टू से दैट गिप्पी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है। तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्म में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने ना कैरी ऑन जट्टा 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फ़ौरन ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में। इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटैम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें। और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको। दिस इज़ अ सुपर हिट सीरीज़ एंड आई थिंक दैट इट इज़ टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा। हेलो गिप्पी जी, आपसे मेरा सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि सर रियली इतने हम्बल हैं जैसे इन्होंने बताया गिप्पी जी ने, कि इनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूज़िक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूज़िक रखा है। गिप्पी सर, जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, दिल्ली पंजाब से ज़्यादा दिल्ली में बिजनेस किया जी। क्या आपको लगता है कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहिए था? लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह। नहीं ऐसे है कि हाँ, बट अभी कोई प्लान नहीं है। सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज़ कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं। क्योंकि मैं अभी पाजी से बात कर रहा था, मैं क्या मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब वो हमने डब नहीं की थी। तो मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ डब होती हैं फिल्में, तो वो सारे पंचेस ही चेंज हो गए। तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो, कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। अदरवाइज नहीं, अभी सिनेमा में कोई वो। बट डेफिनेटली डबिंग से हेल्प होता है, बिकॉज एज एन ऑडियंस, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जैसे जैसे आपके मन की हो, जैसे राइटर के मन की हो। बिल्कुल, डबिंग से रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं, तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहाँ पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी। हाँ, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना। हाँ, डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल सर, गुड टू सी यू। आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था। पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में, और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजीज है, ये बाकी की 2 फिल्में देखी हैं, कैरी ऑन 1-2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में। मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फ़ोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए एक्चुअली। मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज़्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले। तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ बहुत, और मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ इनका। तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए। लव यू आमिर भाई, आपने अब तो मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है। तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ। तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। So I'm so happy to see you here and I'm one of your biggest fans Kapil. Thank you Aamir भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार एक गलत बात हो गई। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूँ। भाई आप देखो कपिल से एक कदम आगे हूँ मैं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं भी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं। कट टू सीधा 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो नहीं, मैं 100% आऊँगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं। नहीं उसके लिए मुझे रिलीज के लिए आना है, मुझे आप अलग से एंटरटेनमेंट के लिए बुलाइए। डेफिनेटली आमिर भाई। और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मज़ेदार है। जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को। और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है। और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है। पल्ला साहब, इनको हम लोग सुनते रहे हैं ऑडियो कैसेट और ये सब। और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज़ से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने गिप्पी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप पाजी। और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का 3रा पार्ट जो है आ रहा है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, और बस थैंक यू सो मच। आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे RRR अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश पे तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है। और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो, जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए। और बाकी आप लोगों के हाथ में है। आमिर सर हाय, आमिर दिस इज रवि फ्रॉम आमिर सर हाय, रसल फ्रॉम PTI। आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो, नानक नाम जहाज है। और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की। लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते। What do you think so? क्या रीज़न है, और would you like to start this trend again? Actually, yeah. I mean, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए। और अगर वो एक दूसरी भाषा में है, but I really love it, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं। I think वो टाइम पे जो stars थे, वो उनकी first language भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे। राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना। आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट। अगर मुझे कभी मौका मिले, आप कभी बताना। मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ आप कोई अच्छी सी कॉमेडी लिखिए मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। हाँ, इनसे पूछिए, अंदाजा अपना अच्छी की मैंने। इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना, कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है। बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना, तो तब आएंगे। हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूँ। तो समीप भाजी, जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी? गिप्पी जी, आपसे भी एक सवाल है जी। ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी, यू नो, एक जो मैड कैप कॉमेडी कहते हैं, इसमें एक ऑनसॉम्बल कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक बहुत पहले 50 से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी, कैरी ऑन फ्रेंचाइज, वहाँ से कुछ थोड़ा बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूँ तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हमने तो वो टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। हमने वैसे भी वो चीज़ें देखी नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीप पाजी की एक फ़िल्म देखी थी, इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी चक दे फट्टे, तो उसमें कुगी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मां मेरे को छोड़ के बाकी के थे, और बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फ़िल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फ़िल्म देख के आते हैं, तो ये फ़िल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फ़िल्म देखने गया, हम 4 लोग थे। तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम 4 ही लोग थे बस। तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो 4 ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल हैं कि ये क्या फिल्म देखेंगे, कि चलते हैं, मैं पूरा थिएटर में 4 लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फिल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब ख़त्म हुई। हम 4 लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया। तब मैंने इनको बोला कि पाजी फ़िल्म करनी है, आप कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी, बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है जी। Hi Aamir, this is Ravi Jain from ABP News. Hi. आमिर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नज़र आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, मौका भी है दस्तूर भी है। क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए, एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है। इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ, और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है। अभी जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा ज़रूर, थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है। नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे हो गई भाई। नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे झाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फील लेके आते हैं। हाय आमिर, दिस इज कोमल पांचाल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। हाय, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। इट्स रियली नाइस टू सी यू हियर for this event. Before this, you were also there for a book launch a couple of months ago. You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media. With the kind of, you know, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at the right time and you are now spending more time in public, in so like in such events? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। Actually, मैं सोशल मीडिया पे जब था, वो नाम का था, मैं I used to hardly post. तो you know, I was never really active on social media. It's not. I think it's a wonderful thing, by the way, but it's just not for me. So yeah. Yeah. But since you left social media, things have also changed. The kind of hate that we receive. I don't know. I have no idea. I'm not on social media. मुझे idea नहीं है माँ कसम. मेरे को कोई idea नहीं है. हाँ. अपन दो और question लेते हैं. और अगर कोशिश कीजिए कि फिल्म के बारे में हम बात कर पाएं. Good evening. Straight. Hi. My question is to all the Punjabi artists. अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है पहले एज अ साउथ इंडियन ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी में थी कि यू नो कई बार साउथ इंडियंस को टाइपकास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में. अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाबी कम्युनिटी को काफ़ी ज़रा आई मीन गुग्गी पाजी ने भी बहुत सही एक बात कही थी कि यू नो अक्सर यू नो उनको एक जोकरों की तरह दिखाया जाता है. तो आपको क्या लगता है कि कहीं आपके फिल्मों के थ्रू क्या बदलाव लाया जा सकता है एटलीस्ट अबाउट द कम्युनिटी? कोई भी आंसर कर सकते हैं. आई थिंक बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. जैसे मैं फिर मेरे ज़बान पे वही नाम आ जाता है जैसे जब आप थ्री इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंड सेटअप बदला जा सकता है, माइंड सेट बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई इमेज क्यों नहीं चेंज की जा सकती? तो हम लोग वही कोशिश करेंगे. हालांकि ये जो कॉमेडी आप देख रहे हैं ना, ये कॉमेडी है, ये लोगों को हंसाने के लिए होती है. इसमें हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दावा करूं कि हम लोग ऐसा रियल पंजाब इसमें दिखा रहे हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक सीरियस एफर्ट दिखा रहे हैं आपको कि सिंसेरिटी और मेहनत से जब काम किया जाता है. तो सबसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और चीज़ें चेंज हुई हैं. हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट सीजन में हम लोग आते थे ना, तो जब मैं पगड़ी बांधता था वहाँ पे, तो सारा क्रू जो हैरान होता था कि आप पहले कपड़ा खोल लेते हैं, फिर इसको ऐसे पोनी करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं. तो लोगों के दिमाग में था कि ये बनी बनाई आती है, उठाते हैं और ऐसे रखते हैं. तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड को पगड़ी बांधना सिखाया कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है. पहले रेडीमेड पगड़ियाँ यहाँ बनती थीं तो बहुत फूहड़ लगता था वो सब. और अब लाल सिंह चड्ढा में जो पगड़ी आमिर साहब ने बांधी है और रॉकेट सिंह में जो रणवीर ने जो बांधी थी, तो आप देखिए ना जो अक्षय भाई ने जी करदा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि पगड़ी का क्या डिफरेंस है. तो हम लोगों ने पगड़ी से ये चेंज करना शुरू किया है. सब कुछ चेंज करेंगे, बताएंगे असल में पंजाब क्या है, असल में पंजाबी क्या है. थैंक यू. गिप्पी जी, ये यू नो ये थर्ड है जी. ये थर्ड फ्रेंचाइज है. तो हर फ्रेंचाइज को आपको बेटर करना होता है. तो इसमें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही आपके ऊपर. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है जी, मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसें, एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत. तो मतलब हम जब बैठते थे, समीप जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना, तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार कास्ट, जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहाँ पर डिस्कस करे कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है. मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना, आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं, वो इन बिटवीन कोई भी सीन है, आप उसमें भी बहुत हंसोगे. सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी लाउड ना हो. तो वो एफर्ट हमने किया और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी, जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म, तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी, तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने, विजुअली अच्छी हो, लोकेशंस अच्छी हों, क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है, जब लोकेशन बड़ी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़. तो और एक छोटा सा बड़ा चेंज ये भी है कि जितने में हमारी कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट बनी थी ना, उतना बजट ट्रेलर लॉन्च में हो रहा है अभी. तुसी मंदे हो जिप्पी साहब की जे कुड़ी 4 दिन लेवे सेट होने वास्ते खानदानी होगी. तो यो तो मेरे पिताजी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं लड़की सेट होने में, तो इसका मतलब लड़की खानदानी होगी, क्योंकि वैसे तो वो डायलॉग आधा है. आगे इन्होंने क्या बोला है, कहता अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं सेट होने के लिए, इसका मतलब लड़की खानदानी है, क्योंकि तेरी माँ ने तो 2 मिनट लिए थे. पूरा ये था, वो मैंने काटा ट्रेलर में. Aamir, usually, you know, people, I mean, the stars, when the film is releasing, they prefer going to Kapil's show. क्योंकि इनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होती है. मैंने बोला ना, इसने कभी बुलाया नहीं मुझे. क्यों नहीं जाते हो? नहीं, आपने कहा तू तब बुलाता था जब रिलीज हो रहा है. तो ये तो आपके लिए पर्क होता है ना, तो इट इज अ पर्क, यू शुड गो. Why are you different from the others? No, not at all. It's nothing like that. It's just that at that time it becomes very hectic for me. There are so many things happening. I'm not even in Bombay. I'm traveling, so it doesn't work out. So which is why I told him, जब मैं free रहूँगा तब मैं आऊँगा. Film का tension मत ले. Thank you very much. Hello, Aamir ji, मेरा सवाल आपसे है. मेरा नाम आरती सक्सेना है. मेरा सवाल ये है कि अंदाज अपना अपना को आज भी याद किया जाता है. आप गिप्पी से पूछे ना, ये गिप्पी की film का सवाल पूछे ना please. ये इसी से connected है. कि मतलब मैं, हाँ, कॉमेडी से कनेक्टेड है. अच्छा मारा उसने. कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड मेरे को समझाइए पहले. मतलब कॉमेडी से कॉमेडी कनेक्टेड है कि लाइक आपके अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी आती है. नहीं, फ्लॉप हुई थी भाई. हाँ, थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी. लोगों के दिलों में आज भी है. होम एंटरटेनमेंट बहुत चली है बाद में. तो आज आपके सामने एक असली कॉमेडियन है और एक असली एक्टर आप खुद हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये दो लोग मिलके अगर फिर से एक फिल्म ऐसी बने तो वो भी यादगार साबित होगी? लाइक कपिल शर्मा, कपिल एंड मी डूइंग अ फिल्म टुगेदर. अरे आई वुड लव दैट यार. कपिल, ये तो बढ़िया. वही मैं पूछ रही थी. आई वुड लव दैट. हाँ, आप परफेक्शनिस्ट हैं और वो हम लोग के सबके दिलों के मतलब बादशाह है कॉमेडी के लिए. मेरे भी दिल के राजा हैं. आई वुड लव टू डू. थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू मेरे कहने पे आपने ये सवाल पूछा.